एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। केजरीवाल के विधायक सोमनाथ भारती एक विवादित बयान की वजह से जेल पहुंच गए। सोमनाथ ने यूपी के अस्पतालों पर विवादास्पद बयान दिया था, जिस पर यूपी में केस दर्ज हुआ। अब कोर्ट ने 14 दिन के लिए जेल भेज दिया। आज यूपी में सोमनाथ भारती पर स्याही भी फेंकी गई। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। योगी को बोल दो ये सब करने से कुछ नहीं होगा, ये सब करने से कुछ नहीं होगा। अतुल योगी की मौत निश्चित है। सफेद मूंछ, सफेद दाढ़ी और फिर चेहरे पर टपकने लगी काली स्याही। योगी तो जाएगा, लिखवा लो मुझसे। एक बार फिर देखिए आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती पर कैसे आज स्याही फेंक दी गई। और ये भी कह दो ये सब करने से कुछ ना होने वाला, योगी तो जाएगा, लिखवा लो मुझसे। जिस शख्स ने स्याही फेंकी उसको अचानक पुलिस ने घेर लिया। लेकिन आप जरा केजरीवाल के विधायक सोमनाथ भारती पर नजर बनाए रखिए, देखिए कैसे वो खुद ही स्याही फेंकने वाले को सबक सिखाने के लिए दौड़ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। स्याही फेंकने वाला तो पुलिस के घेरे में रहने की वजह से हाथ नहीं आया, तो फिर सोमनाथ पुलिस वाले पर ही भड़क गए। कहा बीजेपी के इशारे पर पुलिस ने ही ये स्याही फेंकवाई है और योगी पर सोमनाथ ने आपत्तिजनक बयान दे दिया। आप लीजिए यही काम करवा रहे हैं आप? अब तो जाने दीजिए, जो करवाना था करवा लिया। आप यही काम करवा रहे हैं? क्या हुआ? अरे आप यही काम करवा रहे हैं? ये देखिए क्या यही काम करवा रहे हैं? पुलिस के संरक्षण में गुंडे पलते हैं यहाँ पे, आपको जवाब देना पड़ेगा। आप बताइए ना सर, इतना पुलिस वाले होते हैं ये पुलिस वाले? तरीका है योगी की नौकरी करते करते आप संविधान भूल गए? ये काम क्या रहे हो? योगी को बोल दो ये सब करने से कुछ नहीं होगा, ये सब करने से कुछ नहीं होगा। अतुल योगी की मौत निश्चित है। सर वो अरेस्ट होना चाहिए, भगाया उसको, अरेस्ट करिए आप उनको, आपकी पुलिस। और मेरी बात सुन लो, योगी को बोल दो ये सब करने से कुछ नहीं होगा। ये पूरा हंगामा आज यूपी के रायबरेली में हुआ। काली स्याही पर अब सफेद खादी की सियासत भी आपको बता देते हैं। योगी गुंडे को सामने पेश करो, योगी आदित्यनाथ अजय बिस्ट गुंडा है, उसकी गुंडई उत्तर प्रदेश जनता के सामने रखेंगे, बताएंगे। दरअसल दो दिन पहले आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती ने यूपी के अस्पतालों पर बयान दिया था, जिस पर पूरा विवाद शुरू हुआ। सोमनाथ ने कहा था कि योगी राज में यूपी के अस्पतालों का ऐसा हाल है कि इंसानों की जगह यहाँ अस्पतालों में लावारिस कुत्तों के बच्चे जन्म ले रहे हैं। अमेठी में इस बयान के खिलाफ केस दर्ज हो गया। पुलिस इसी केस में सोमनाथ को गिरफ्तार करने पहुंची थी, लेकिन उससे पहले ही स्याही कांड सामने आ गया और स्याही कांड के बाद सोमनाथ भारती ने एक बार फिर सीएम योगी पर आपत्तिजनक बयान दे दिया।
पुलिस के संरक्षण में गुंडे बोलते हैं यहाँ पे, आपको जवाब देना पड़ेगा। योगी की नौकरी करते करते आप संविधान भूल गए। योगी को बोल दो, ये सब करने से कुछ नहीं होगा, ये सब करने से कुछ नहीं होगा। अतुल योगी की मौत निश्चित है, सर वो अरेस्ट होना चाहिए, भगाया और मेरी बात समझ लो। योगी को बोल दो ये सब करने से कुछ नहीं होगा। अपने विधायक पर कानूनी शिकंजा कसते ही केजरीवाल भी मैदान में आ गए। केजरीवाल ने कहा, योगी जी हमारे एमएलए सोमनाथ भारती जी आपका सरकारी स्कूल देखने जा रहे थे, उन पर स्याही फेंकवा दी और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आपके स्कूल इतने ज्यादा खराब हैं क्या? कोई आपका स्कूल देखने जाए तो आप इतना डर क्यों जाते हैं? स्कूल ठीक कीजिए, नहीं करना आता तो मनीष सिसोदिया से पूछ लीजिए। दरअसल केजरीवाल स्कूल की बात क्यों कर रहे हैं, इसकी जानकारी आपको विस्तार से देते हैं। यूपी में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं और आम आदमी पार्टी ने इस बार यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के इस ऐलान के बाद से ही यूपी सरकार के मंत्रियों और आम आदमी पार्टी के नेताओं में दिल्ली के स्कूल मॉडल पर बहस छिड़ी हुई थी। इसको लेकर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी लखनऊ पहुंचे थे। इकबालो मुझसे कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, जिंदाबाद। और अब स्कूलों वाली बहस में अस्पताल विवाद की एंट्री हो गई और इस तरह स्याही कांड सामने आ गया। योगी को बोल दो ये सब करने से कुछ नहीं होगा, ये सब करने से कुछ नहीं होगा। अतुल योगी की मौत निश्चित है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।